हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टेली क्लॉक। नाज़रीन, अदाकार देनिश फडनिस जो तवील अरसे से चल रहे भारतीय टीवी शो सीआईडी में फ्रेडिक्स का किरदार अदा करने के लिए मशहूर हैं, वेंटिलेटर पर हैं। इससे कबल ये खबर आई थी कि अदाकार को दिल का दौरा पड़ा है, ताहम इनके सीआईडी को स्टार ने इन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया है। शो में दिया का किरदार अदा करने वाले दयानंद शेट्टी ने बताया है कि देनिश फडनिस ने अस्पताल में दाखिल हैं और वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर इनका मुशाहदा कर रहे हैं, इसे दिल का दौरा नहीं पड़ा, ये एक अलग इलाज है और मैं इस पर तबसरा नहीं करना चाहूँगा। सीआईडी की टीम को फिटनेस की सेहत की हालत से आगाह कर दिया गया है, जिसके बाद आज बहुत से लोग इनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। अदाकार को मुंबई के टिंगा अस्पताल में दाखिल कराया गया था और जुमा की रात तश्वीशनाक हालत के बाद हफ्ते के रोज इनकी हालत कदरे बेहतर हुई। अदाकार जो अपनी 50 की दहाई में हैं, एक दहाई से ज्यादा अरसे से इंडस्ट्री में हैं और उन्होंने सरफरोश, मेला, सुपर 30 और दीगर जैसी फिल्मों में काम किया है। दिनेश ने 1998 में शुरू होने वाली और सोनी टीवी पर 20 साल तक चलने वाले तवील अरसे से चलने वाले शो में फ्रेडिक्स नामी पुलिस एहलकार का अहम किरदार अदा किया है। दिनेश की तश्वीशनाक हालत की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया में इनकी सेहत से मुतलिक बातचीत जारी है, जहां इनकी अच्छी सेहत की ख्वाहिश की जा रही है। ताहम एक सारफ ने बताया है कि खबरों को देखकर ऐसा लगता है कि इसके जिंदा होने के इम्कानात 10% से भी कम हैं, लेकिन मैं इनके लिए सेहत याब होने की दुआ करता हूं। इस वीडियो से मुतल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें।